बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुरेश वर्मा की अगुवाई में प्रदेश भाजपा सरकार एवं महंगाई के खिलाफ कॉलेज चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली, साथ ही विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने कहा कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की जयराम सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। इन सरकारों के कार्यकाल में बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा लोक कल्याणकारी तथा जनहितैषी नीतियां बनाने में विफल रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ विरोध प्रकट करती है। नमस्कार साथियों, मैं बलदेव राज, हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी घुमारवीं विधानसभा से बिलोंग करता हूं। साथियों, जैसे भाजपा सरकार और मैं यूं कहूं कि मोदी सरकार ने जैसे जैसे सरकार बनी है, हर महीने कोई ना कोई नीति ऐसे ले आते हैं जिससे कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग त्रस्त हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, जिससे कि लोग अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आजकल बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, पायलट बनाना तो दूर की बात है, आजकल घर घर में बात चली है क्या मेरा खर्चा 10,000 से चलेगा, क्या मेरे परिवार का खर्चा 15,000 से चलेगा। तो ऐसे में जब परिवार छोटे छोटे बच्चों को अच्छा दूध नहीं पिला पा रहे हैं, इतने महंगाई है, जहां पे 2 किलो दूध रखा था घर में, वहां पे वो 1 किलो दूध खरीद पा रहे हैं। बच्चों का जब पालन पोषण सही नहीं होगा और इस देश की जनता जब महंगाई से इतनी त्रस्त होगी, उसकी आर्थिक मंदी होगी, तो बिजनेस कैसे चलेंगे, लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगी तो बीमारियां फैलेंगी, और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये मोदी सरकार जो 1-2 उद्योगपतियों की गुलाम सरकार जिसको मैं बोलता हूँ, इसको ये कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि आज जो सत्ता है वो सत्ता पाने के लिए हो रही है, गरीब समाज को, पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए नहीं हो रही है।